नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में कड़ाके की ठंड का असर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। मौसम में नए साल के साथ ही हुए बदलाव का असर अब आम जनजीवन पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आलम कुछ यूं है कि अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव तो देखने को नहीं मिला है। मौसम के वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा। न्यूनतम तापमान में हालांकि इस दौरान कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। यह औसतन 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखी गई है, जो कि औसतन 17 से 19 डिग्री के बीच दर्ज की गई है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान फारबिसगंज में 8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं प्रदेश के कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिला। रविवार की ही अगर हम बात करें तो मौसम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है, जिससे मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि मौसम विभाग पटना ने ये साफ कर दिया है कि पछुआ हवा के कारण कनकनी और बढ़ने वाली है। साथ ही न्यूनतम तापमान में भी 3 से 4 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। इससे एक बात तो तय है कि आने वाले 5 दिनों तक ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सत्तार के अनुसार अगले 5 से 6 दिनों तक कोल्ड डे के हालात बने रहेंगे। वहीं पूर्वानुमान इस बात की भी है कि पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ हवा के कारण पारा 6 डिग्री तक लुढ़क सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अधिक नमी और सामान्य से कम तापमान की वजह से जिले में मध्यम से घना कुहासा छा सकता है। वहीं कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूसा के आकलन को देखें तो अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 8 डिग्री नीचे चला गया है। अधिकतम तापमान फिलहाल 10 डिग्री के करीब है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में इस साल सर्दी की एंट्री काफी देरी से हुई है। अगर आप आज से कुछ समय पहले के वक्त को याद करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दिसंबर के महीने में यूं तो ठंड की स्थिति काफी ज्यादा विकराल हो जाती है, लेकिन इस बार आलम इसके ठीक उलट रहा। जनवरी महीने के एंट्री के बाद बिहार में ठंड का प्रभाव देखने को मिला और नए साल के साथ ही बिहार में ठंड का आगमन हुआ और अब आने वाले कुछ दिनों तक तो आम लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में सभी लोगों से यही दरख्वास्त है कि इस मौसम में अपना खास ख्याल रखें। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।